हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुरी जी हाय। नहीं 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 बुरी इसकी हाय मत लेना, ये गरीबों की हाय ना बहुत लगती है। और ऐसे जीजे की सलाह भी लेना, अपनी बीवी के बारे में इमोशनल बातें बताकर ना साली को हक कर लेते हैं। देखो यार, हम ना गरीबों के मुंह ही नहीं लगते। और ढाबे के मालिक को तुम गरीब कह रहे हो? तुम भी तो 3 कटोरी 4 चम्मच और 5 ढक्कन को ढाबा कह रहे हो। ओए, हेलो, ढक्कन 6 हैं मेरे पास। सॉरी चंदू, तुम्हें इंक्लूड नहीं किया। बुरी, ढक्कन कोई छोटी चीज नहीं होती। तुम्हें पता है, अगर ढक्कन ना हो तो कुकर की सीटी नहीं बजेगी। अगर ढक्कन ना हो तो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलो, पिस की आवाज नहीं निकलेगी। अगर ढक्कन नहीं होता तो अक्षय कुमार लात मार कर ढक्कन चैलेंज किसके साथ खेलता? वाह 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 वाह, ढक्कनों का ब्रांड एम्बेसडर। किसी बोतल में जाकर फिट क्यों नहीं हो जाते तुम? ढक्कनू चंद कहीं का। वैसे अर्चना जी, जी जी, देखिए इस मोहल्ले का मालिक होने के नाते हमने फैसला किया है कि हम मोहल्ले का डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी पुराना है ना, वो सब हटा के हम नया लेकर आएंगे, कुछ नया। ये मोहल्ला हमारा है और हम हैं इस मोहल्ले के बच्चा यादव। यहाँ पर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये क्या हो रहा है? ए, क्या चल रहा? अभी तुम लोग ये अपना सामान बीमान इकट्ठा करके निकल लो यहाँ से। चलो चलो। अरे अरे, ऐसे कैसे? ये तुम्हारा मोहल्ला है ना, इसको दुबई के एक शेख ने खरीद लिया है। अरे ऐसे कैसे कोई मोहल्ला खरीद सकता है? ये शानी, प्यार से समझा रहे, धमकी समझ के निकल ले। क्या धमकी समझ के निकल ले? लड़की को धमकाते हो? अगर हिम्मत है तो मर्द से बात करो। बात कर मर्द से, बात कर फेस टू फेस, बात कर। चल बात कर। नहीं नहीं भाई साहब, बोल बोल बोल। ब्रदर, मैं तो ये पूछ रहा था, मोहल्ला अभी खाली करना या है हमारे पास अभी 10-15 में? अभी के अभी बस यही कह रहे थे हम भी, थोड़ा कंफ्यूजन था वो क्लियर करना था। अभी क्लियर? हां जी हां जी, चलो खाली करो। हां जी, चलो रे। वाह चंदू वाह, 12 सेकंड लगातार जो तुमने मर्दानगी दिखाई ना आज, वाह। मान गए 12 सेकंड। अरे ऐसे कैसे कोई धमकी दे सकता है? मोहल्ला खाली कर दे, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जल्दी करो। नहीं, बुला, मैं हेलो यस हेलो आई एम गेन। मैंने तो चपेट मारनी। मैं इंस्पेक्टर साहब, मैं फोन बाद में करती हूँ, आप पहले आ जाते हैं। दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है तुम्हारी सोसाइटी में? सोनी टीवी के और भी 50 शो चलते हैं, कोई भी फोन नहीं करता। क्राइम पेट्रोल में तो मर्डर तक हो जाते हैं। बताओ क्या हुआ, किसने छेड़ा तुम्हें? मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। मैं भी सोचू तुम्हें कोई क्यों छेड़ेगा। तू बता अभी मोटे, कहाँ चोरी की तूने? हमने विक्टोरिया का सीक्रेट चुराया। अजीब आदमी है यार, तुमको हम चोर लगते हैं? अच्छा, इसने की होगी चोरी, तेरा मुंह सॉरी जैसा। इधर ओ इंस्पेक्टर साहब, उन लड़कियों से पूछो जो मेरा चेहरा पकड़कर ऐसे ऐसे करने को तरस रही हैं। देखे देखे इंस्पेक्टर साहब, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है। जब किसी ने कुछ नहीं किया है तो मेरे को यहाँ लेडी संगीत में बुलाया? एक सेकंड सर, हम आपको लेडी संगीत में क्यों बुलाएंगे? अच्छा, खुशी के मौके पे कभी नहीं बुलाता तुम? कोई मर गया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, पुलिस बुला लो। तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डांस में पिछड़ गई, पता है?
इस साल हमारा एक भी बंदा सुपर डांसर में सिलेक्ट नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस नाचने के लिए थोड़ी होती है। तो ये बात रणवीर सिंह और अजय देवगन को क्यों नहीं समझाते? सर 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 सर, इधर आइए आप, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। कुछ गुंडे आए थे, वो हमें धमकी देकर गए कि हमें मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। उन्होंने धमकी दी? हाँ। तुमने ले ली? देखो, ऐसे धमकियों को सीरियसली नहीं लेना। पिछली बार भी इधर पिछले मोहल्ले में एक आदमी धमकी दे गया था। तो आपने मैटर सॉल्व कर दिया? नहीं, मेरे जाने से पहले मटर मटर करके निकल गए वो। सुनते कहाँ है वो? देखो इधर आओ। हाँ जी। संडे है। हाँ जी। जाओ कोई इंजॉय करते, बोतल बोतल लेके जा। बोतल तो है लेकिन उसका ढक्कन नहीं खुल रहा। ढक्कन नहीं खुल रहा? हाँ जी। ढक्कन चैलेंज खेल लेते। अक्षय कुमार। हेलो अक्षय कुमार। हाँ जी। ओह सॉरी, आपको रात को इतनी बार फोन किया मैंने। अपना ढक्कन खुलवाना था जी। हाँ जी। ओके ओके। क्या वो मान गए? नहीं, कहते 4 बजे उठ के सबसे पहले तेरे ढक्कन खोलूंगा। तुम जैसे लोगों की वजह से मेरे सेलिब्रिटी के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं। हम समझ गए इंस्पेक्टर साहब। ये समझ रहे? यहाँ आइए, यहाँ आइए। हम समझ रहे हैं। अरे रख, जेब में डाल। क्या है क्या? हमारा मोहल्ला ना खाली कराने की कोई धमकी दे रहा है, कब्जा करने की धमकी दी जा रही है। कब्जा? कब्जा। कमांडो की ट्रेनिंग ली मैंने। कब्जा क्या? मैं तो 6 महीने पुरानी कब्ज खोल देता हूँ। मैं देखता हूँ तुम्हारा मोहल्ला कौन खाली करवाता है। हटो मैं इधर। न बच्चा न बीवी, हमारे घर पे आओ कभी भी। ओ हेलो, ए हमारी फैमिली शो में कैसे ऊंट पटांग इशारे कर रहे हो तुम? अबे ओ कजूर, हम हमारा ऊंट पार्क कर रहे थे। एक सेकंड, हमें तो कोई ऊंट नजर नहीं आ रहा। इस शो में तुम्हारा एक्टिंग नजर आता है? नहीं आता? फिर भी तुम एक्टर होती ना, ऐसे हमारा भी ऊंट होती। बात करते पीछे जाओ। ये क्या कर रहे तुम? हम भी अपना जीप पार्क करती। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा जीप का हेडलाइट बहुत मस्त होती। हमको भी तुम्हारे ऊंट का आंख बड़ा पसंद आती। हम एक सलाह दे, इन दोनों का रिश्ता करा के ऊंट गाड़ी क्यों नहीं बना लेते? अरे क्या बात है, क्या बात है! अरे ये ऊंट तो पेट से, वाह भाई, इधर आओ। ये ऊंट पटांग हरकत तुम किसके साथ किए? इंस्पेक्टर साहब, ये से कुछ भी बोले जा रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरे को बताया कि नहीं तुम पापा बनने वाले हो? बच्चे का नाम मैं ही रखूंगा। अरे सर, आप नाम रख लीजिएगा, आप पाल भी लीजिएगा बच्चे को। पहले शेख को निकालिए, यही कब्जा करने आया है मोहल्ले को। तुम हमारा ऊंट से दूर रहना, मैं बता रहे, कहीं तुमको मुंह में पकड़ लिए ना, फिर लोग बोलेगा वो देखो ऊंट के मुंह में जीरा। बात करते बात करते, तुमको मालूम है हमारा ये जो ऊंट है ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? क्योंकि सामने उसका कुल देवी है। और मेरी बात कान खुल के सुनो। ओए कबीज का बच्ची। कबीज का नहीं, हरभजन सिंह का। कबीर सिंह मेरे चाचा जी हैं। जैसे कबीर सिंह जो है मेरे चाचा जी की लाइफ में बनी है, वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अंदर हो गए तो शायद कपूर को ले लिए, इतनी सी बात है। अच्छा। क्या काश मुझे कबीर सिंह जैसा बंदा मिला होता। बुरी, तू मेरी बंदी है। मैंने कबीर सिंह कहा, फकीर सिंह नहीं। अरे ओ जाहिलो, अपनी लव स्टोरी बंद करो यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब अपना काम कीजिए ना यार। ओए शेख बोलो। ओए, मैं थोड़ा ज्यादा लाउड हो गया था, मेरे को आईडिया लगा, सॉरी। आराम से बात करते हैं, इतना ठीक है? हाँ। क्या नाम है आपका? शेख साहब।
अल्क खाएला भूखा खा मैं रस्ते से जा रहा था बेलपुरी कह रहा था खाली चौरसिया चौरसिया शेक कैसे हो सकते हैं? अच्छा तुम्हारा इधर बनाना शेक हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रॉबेरी शेक हो सकता है, चौरसिया शेक नहीं हो सकते। हम तो छोटा मोटा आदमी मत समझना, मालूम है बड़े बड़े लोग कम बड़े आदमी बना। और अगर तुमको बड़ा आदमी बनना है तो आओ दुबई में हमको फोन करो। सच्ची में न बच्चा न बीबी हमारे घर पे आपका बेबी साथ में बैठ के देखेगा हम टीवी। अरे इंस्पेक्टर साहब खुल्लम खुला आदमी हमें छेड़ रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। शुक्र करो तुम्हें कोई छेड़ रहा है, तेरे जैसे आदमी को देख के लोग वैसे ही बोल देते हैं भाई साहब टॉयलेट इधर है। आप हमें बताइए कि ये मोहल्ला आपका हुआ कैसे? शेख साहब सोनी साहब दुबई में आए थे। अच्छा हाँ, हम उनको बैली डांस दिखाया। हाँ तेना खूब छान वाट लेते हमारे दिल लेते है क्या हमारे बोल ले क्या तुम्हें मोहल्ला तुमसे। शेख साहब आप शेख को मराठी कैसे बोल रहे हो? या मुंबई में पंजाबियों का मराठी निकल रहा, हम तो फिर भी दुबई से आए। ये शेख झूठ बोल रहा है, सोनी साहब को अगर बेली डांस देखना होता वो मुझे बोलते। अच्छा। मैं इतना अच्छा कर लेती हूँ म्यूजिक। शेख साहब ये क्या कर रहे हो? इसका डांस देख के हमारा ऊंट ने उल्टी कर दिया इधर। ए शेखू मैं तब से तुम्हारी ये शेखू बातें सुन रही हूँ, यहाँ कोई ऊंट है ही नहीं। तुमको मालूम है जो फटीचर भिखारी टाइप आदमी होता है उसको ये ऊंट नहीं दिखता, लेकिन जो दिल का अच्छा आदमी होता है उसको ये ऊंट नजर आती है। तभी मैं कहूँ ऊंट मुझे क्यों नजर आ रहा है। बुरी देखो मैं कितना सच्चा इंसान हूँ। शेख साहब लाओ मैं ऊंट का मुंह साफ कर देता हूँ। ये क्या कर रहे तुम? क्यों क्या हुआ? अरे मुंह उसका उधर है। हाँ जो अपना कैसा लग रहा है सच्चा और दिल का साफ बनके? दिल के साफ हाथ गंदे हो गए धोलो जरा। शेख साहब मेरा टैलेंट किसने आज तक नहीं देखा, मुझे कभी मौका नहीं मिला है। हाँ। बैली डांस तो मैं भी बड़ा अच्छा, कितना गंदा तुमने किया है। हट म्यूजिक। क्या बात है, आगे से कंपटीशन नहीं करना मेरे साथ। क्या चल क्या रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? आप क्या डांस करने आए हैं? कैसा तेरा बेल आइकॉन जैसा तेरा मुंह है तेरा, मारो तेरे फट। एक मिनट, बहुत तुम लोग का मजाक हो गया, चलो इधर जल्दी काली करो, हमको इधर रेत भी डालना है और ऊंट भी छोड़ना है, जल्दी करो। अरे ऐसे कैसे ऊंट छोड़ देंगे यार, हमारी भैंसिया कहाँ जाएगी फिर? तुम्हारा भैंसिया तुम्हारा धोती में जाएगा, हमको क्या लेना देना। तो अपना ऊंट भी अपना फ्रॉक में डालो, हमको क्या लेना देना। अगर तुम हमारा ऊंट का बेइज्जती किया तो हम तोहरा के बता दे हम कौन बा, तोहरी भैंसिया का पूछ मारो। अरे लल्लन कब जावन तोहरा के हम देख ले पे। शेख आप भोजपुरी बोल रहे हैं? हाँ तो हम भोजपुरी स्पीकिंग कोर्स किया है। हमारा जो ऊंट है हम उसको भोजपुरी पिक्चर में लॉन्च कर रहा है एज ए हीरो। और हम टाइटल भी रजिस्टर करवाए, देखो क्या भैया बोले झूठ बा भौजी भाग संग उठ बा। और अर्चना जी इसका जो शूटिंग है वो हम ऊटी में रखेगा। ऊटी? अच्छा ऊठा इसलिए ऊटी। अरे इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ शूटिंग देखने आए कि क्या करने, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे इसे? अभी बोलता हूँ। शेख साहब क्या आइडिया है, मैं तो कहता हूँ ये फिल्म में आप एक गाना जरूर डालना, ऊंटों से छूला तुम मेरा ऊंट अमर कर दो। देखो तुम्हारे साथ रह रहे के मैं तुम्हारे जैसे जोक मारने लगा हूं, कि ये ना हो चैनल मुझे चोटी लगा के इधर खड़ा कर दे, खोलो भी जोक का पिटारा है। एक मिनट, बहुत मजाक सूझ रहा है तुम लोग को। हट हट हट, ठीक है नहीं आपको नहीं कर रहा, आपका ऊंट पीछे जाके मेरी जीप को चाट रहा है। हेलो शेख साहब, बहुत हो गया ड्रामा, अगर मोहल्ले पे कब्जा चाहिए तो पहले नोटिस दिखाओ, मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूं। तेरे मुंह पे लॉ सूट करता है, तू कह मैं लॉन्ड्री का स्टूडेंट हूं, मैं कच्चे बनियान धोता हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं।
हाँ तो ये वर्दी आप पे सूट करती है, क्या फायदा इतनी पावर का, आप एक शेख पर एक्शन नहीं ले सकते। ये पकड़ो 15 मिनट के लिए पावर तुम्हारी, जाओ लो एक्शन, चलो कम ऑन चंदू। आवाज भी आप जैसी निकालें। बकवास नहीं करने जाके, चलो इधर इंस्पेक्टर, चलो एक्शन लो, एक्शन लो, चलो। मैं चंदू बेटा चांदनी अर्चना जी को साक्षी मानकर, उनको कोई लड़की नहीं मानता, तू साक्षी मान रहा है। शब्द सभी लेते हैं, एक्शन लो यार। क्या एक्शन लो लगा रखा है, पहले मेरी सिम्बा की तरह एंट्री तो कराओ। इधर ये जुम्बा बना हुआ कच्चा पहन के और सिम्बा की एंट्री लेगा, लो एंट्री। हाँ म्यूजिक। अरे आजा सिम्बा आजा, माशाल्लाह क्या बात है, तुम बहुत अच्छा हंसते। तुम ना कोई कॉमेडी शो ज्वाइन करो, उधर बहुत अच्छा होगा। वो तो मेरा टैलेंट है जी, जिधर मैं जाता मैं बहुत अच्छा चलता हूँ जी। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ तुम दूसरा शो पे जाओ, हमारा बहुत अच्छा होगा इधर, ये बोल रहे जाओ। ओए शेख, हम इधर चाय पिला पिला कर टिके हुए हैं, लोगों को तेल लगा लगा कर नहीं। भूरी अब तो मैं इंस्पेक्टर भी बन गया हूँ, सरकारी पक्की नौकरी है मेरे पास, अब तो हाँ कर दो। एक गोरे गांव की उमराव जान, आज की बाद में लेना, पहले उधर चलो एक्शन लो, चलो उधर लो लो कम ऑन चंदू। ओए शेख, ऊपर वाले के नाम पे ये मोहल्ला छोड़ दे। वाह क्या एक्शन लिया तूने, सिर्फ इसने ऐसे नहीं किया, नहीं तो ऑलमोस्ट भीख मांगी तुमने। पीछे आज मैं इसके ऊपर जीप चढ़ाऊंगा। नहीं अच्छा, अरे तुम क्या जीप चढ़ाएगा, हम भी अपना ऊंट चढ़ाएगा इस पे। अरे हमारा ऊंट किधर है? अरे नहीं आपका ऊंट किधर गया? कोई बात नहीं, हमारे पास हमारा कुत्ता है। ये ले लीजिए आप। ये जो ऐसा ऐसा फालतू कॉमेडी किया ना तुम, ऐसा कुत्ता दिखा के, ये कुत्ता है। एक मिनट, ये ले रख अपना कुत्ता अपने पास, बड़ा है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं खड़ा था ना चुपचाप। अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, कुत्ता फनी नहीं होता। खड़ा दे बेटा। ओ शेख, ये मोहल्ले पे कब्जा करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। हमको पहले अरेस्ट वारंट दिखाओ। नहीं मान रहा। अरे आप शेख को उसी की भाषा में जवाब दो। इसकी भाषा मेरे से नहीं बोली जाएगी। चार बार मैंने होती होती किया, मेरा तो पोज ही चेंज है, मेरा ऐसे बैठने को दिल कर रहा है। मैं भी शमशेर होती होती कि नहीं होती मेरा। इंस्पेक्टर तुम्हारा ये पोज हमको बहुत अच्छा लगा। एक मिनट, 200 नंबर पे फोन करो। हाँ? उनको बोलो 100 नंबर वाली पुलिस फंसी हुई है, 200 वाली भेजो। ये अरे इंस्पेक्टर साहब तुम गलत समझ रहे, 2000 दिनार रखो और ये मोहल्ला हमारे नाम कर दो। रिश्वत? शेख साहब मेरी जरूरतें भले ही ज्यादा हैं, लेकिन मेरे जमीर में भी दम नहीं है। मैं पिक्के हूं। I am sold. एक मिनट, एक दूसरे के साथ क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आप? उसने सिर्फ फुसर फुसर की है, खुसर खुसर तो उसने की नहीं। अरे फालतू में बातें मत बनाओ। अरे आप खुसा करो फुसा करो, जो करना है करो, लेकिन अरेस्ट करो। अरेस्ट करो, संस्कार नाम की चीज है कोई नहीं। और तुमने सुना नहीं अतिथि देवो भव? सुना कि नहीं सुना? ओए अतिथि को देवो भव दो, अतिथि तुम मुझसे भवा लो, भवा दो, भवा लो, भवा लो। चलो क्या बात है, हमको तुम्हारा भाव बहुत ही अच्छा लगा। हैप्पी न्यू ईयर माय मेजेस्टी, 1200 रुपए कम पड़ रहा है, करा दो मेरे मकान की रजिस्ट्री।
ये हमारे मोहल्ले पे कब्जा कर रहे हैं, आपको यहाँ पे काफिया मिलाने की पड़ी है, अरेस्ट कीजिए यार। वेरी एंग्री मैन यू आर, सो इतना कर लेते गिरफ्तार। ये थोड़ी सी हथकड़ी दे रहा, थोड़ी सी हथकड़ी क्या, हथकड़ी मांग रहे हो, सौंफ मांग रहे हो? हथकड़ी नहीं हमारे पास, हथकड़ी रखने की कोई औकात नहीं है, पुलिस को बुला रहे हो इधर। अरे हथकड़ी पुलिस लाती है। अच्छा हथकड़ी भी पुलिस लाती है, हैं? जीप भी पुलिस लेके आए, डंडा भी पुलिस लेके आए, मेरे को पहले बता दे, मुजरिम भी घर से ले आता मैं। बकवास कर रहे हैं। बस अरे बहुत हो गया, अब मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ। ऐ कबीज का बच्चा, क्या कर रहे तुम? क्या किया मैंने? हमारा ऊंट का पेट पे पैर रख दिया तुम। ऊंट के पेट पर कोई पांव कैसे रख सकता है? अरे हमारा ऊंट ऐसे लेटा है, उसका चिलिंग टाइम है, बेचारे का पेट पर पैर रख दिया तुम। अरे भौर में गया आपका ऊंट और उसका चिलिंग टाइम, आप ना हमें मेन मुद्दे से भड़का रहे हो। हाँ प्रॉपर्टी कागजात दिखाओ पहले। तू बड़ा मोहल्ले का मुंशी लगा है, गंदे मुंह वाले। ये जब पैदा हुआ ना तो माँ बाप वैसे नॉर्मली डॉक्टरों से बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, इसके जन्म पे उन्होंने NOC मांगी। कहते हैं हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, इसको हम पाल सकते हैं कि वाइल्ड एरिया में छोड़ना पड़ेगा। देखिए सर, NOC मांगे या PUC मांगे, लेकिन आदमी की बात में दम है। तो मेरे पास आलू है, दम आलू बनाए। देखा तेरे जैसा जोक मारा मैंने, मैंने तेरा करियर खत्म कर देना है। शेख साहब आप कागज दिखाइए। कागज हम लाए हैं गोलकोंडे। गोलकोंडे ये देखो कागज। वाह क्या कागज है, बिल्कुल सही है, मोहल्ला आपका हुआ जी। नहीं ये तो अरबी में, आपको अरबी आती है? मेरे को अरबी, मेरे को लौकी भिंडी तुरई सब आती है। हम समझ गए, आप जरा इधर आइए। आप कर क्या रहे हैं यार, आप जरा रुक जाओ। मेरे को आप कर क्या रहे हैं? अरे किसी ने आदमी को पैसे दिए ना, हमने 20,000 दिया तूने, 25,000 का तो मैंने होती 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 कर लिया मैंने। 30,000 रुपया और लगेगा। तो ऐसा बोलो ना यार, ये 30,000 नोट फटे हुए? नहीं नहीं सब ठीक है, 50,000 हो गया, अरेस्ट करो उसको। मेरे आका, हेलो शेख साहब, मैंने पूरे कागज चेक कर लिए हैं, इसमें नीचे की दो लाइनों में अरबी के 4 स्पेलिंग गलत है, मोहल्ला इनका हुआ। ये लो 20,000 दिनार। देखो मैंने दोबारा कागज चेक किए, कोई गलती नहीं है, इनके उधर ऐसे डिजाइन होते हैं, तो ये मोहल्ला इनका हुआ। तुम लोग निकलो। एक में अभी तो सारे 13 सेकंड पहले इसी कागज में 4 गलतियां थी। वो मैं नीचे से पढ़ रहा था, मेरे को किसी ने बताया कि इसको ऊपर से पढ़ते हैं, उस हिसाब से। ओ हेलो इंस्पेक्टर साहब, सारे कागज ऊपर से पढ़े जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उर्दू जो है राइट से लेफ्ट को पढ़ी जाती है बस। इधर आ मेरे लुधियाना के गुलजार, तेरे को बड़ी उर्दू की नॉलेज है, उर्दू में करके दिखा कुछ। ये क्या था? उर्दू में गुस्सा। आप क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कीजिए ना आप। करो करो 20,000 और दीजिए। ओए शेख इधर मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा डिजाइन है ऊपर पेपर पे, ये गलत है, ये फैमिली शो है, ये गंदा डिजाइन है, वी विल नॉट अलाउ। मोहल्ला इनका हुआ। 40,000 दिन। एक तो मेरे को अपनी बात पे टिके रहने का टाइम नहीं देते यार। देखो मैंने ये स्पेलिंग सेंसर करवा ली है, ए सर्टिफिकेट के साथ, मोहल्ला इनका हुआ। निकलो अपना पेट लेके भागो इधर से। इंस्पेक्टर साहब इतनी जल्दी तो लोग चैनल नहीं बदलते जितनी जल्दी आप अपना करेक्टर बदल रहे हो। सही है। पैसे आ रहे आ रहे। ओए शेख मोहल्ला जो है 50,000 दिनार रखो। ओए यार तुमको हम तुम दुबई तेल का कुआं देगा, हम तुमको मेरी कोई तेल का कुआं देगा, जैकेट मंगवाओ मेरी, हम तुमको तेल का कुआं देगा। एक मिनट तुम मेरी बोली क्यों नहीं लगा देते? कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, पैर तो छोटे ही है। मैं थक गया इधर उधर जाके, मैं मेरे पास ये भी नहीं, और अंदर जाके 2,000 का नोट मेरे अंदर। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, मतलब आप दोनों तरफ से पैसा खा रहे हैं, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे आप। ये बात तुम नॉर्मली भी बोल सकती थी, ऐसे NSG वाली एक्टिंग करने क्या जरूरत थी? छोटे बच्चों की नसीरुद्दीन शाह, छोटे बच्चों की नसीरुद्दीन, हमको तो कह दिया रे। क्या? अरे हमको तो लगा था
तुम सच्चा रिश्वत खोर है पुलिस वाले। वे, ओ शेखों की रीना राय, ये रोग ऐसे रहा जैसे पहले पैर में धोखा मिला इसको। क्या है बंदा यार ये? शेख साहब आप टेंशन मत लीजिए, अब हम इस इंस्पेक्टर को दिखाएंगे तब जब हिंदुस्तान और दुबई एक हो जाएंगे। अल हबीबी, बोलो हबीबी। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे हिंदी चीनी भाई भाई होता? तुम लोग गलत खेल रहे हो, हिंदी दुबई होता ही नहीं। शेख साहब आप इसके बुर्ज का खलीफा कर दो। एक मिनट शेख साहब, ये ऊंट पीछे करती। ऊंट का क्यों पीछे करूं हम? क्योंकि वो ऊंट के पीछे मैं जीव लेके भागती। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.